are in number 2 and you are in which side? Number 2 number 1 number 2 number 1 number 2 it's not like this ki number 2 to number 3 mein chal chal ke aati hai aise hum log number 3 and number number 1 number 1 acha theek hai okay and you number 1 and you number 1 number 2 number 1 number 1 aha right number 1 to number 2 okay whosoever says number 1 thank you number 2 come number 2 come number 2 please come number 2 number 3 aha aha please number 3 number 2 fine, okay, now, fine, this is number 1, which is saying that we are here. This is important and urgent, okay? We take care of this. Because of me, things become important. Because of me, things become urgent. They are saying that for because of them, things become important. They don't become urgent. Alright? Number 3, who are saying that things become urgent because of us. We don't care important, so things become urgent for us as well as for others. Okay? We have this, what's number the name? 4. Number 4. What's the name? Manju. 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 Manju is saying, Manju is saying, to hell with that. But that's fine. That's the beauty. See, this is the beauty. You know, when you will conduct this kind of, say, debates, so much of life, कल भी जाऊंगा मम्मी मेरे को थोड़ा सा यहाँ से पढ़वा दो मेरे को ये YouTube दिखा दो सो क्लियर बिकॉज दे विल गैलवनाइज दे आर गेटिंग गैलवनाइज दे आर फीलिंग हैप्पी देयर इज समथिंग इज हैपनिंग इन स्कूल प्रिंसिपल भी आया और प्रिंसिपल भी बैठी खड़ी देखी हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है सुषमा आ गया कौन सी सुषमा ओके नाउ 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 होल्ड 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 Why are you in number 1? आप बताइए बताइए क्यों why? क्यों आप इसमें आए कैसे क्यों होना चाहिए why? You sell. We are all sales people. You sell. इनको बुलाओ अपनी तरफ कि भाई हम इस पे आओ वन नंबर का ये फायदा बोलो बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट वर्क हाँ हाँ आप इम्पोर्टेंट काम करते हैं और अर्जेंट काम को आप क्या करते हैं उसको भी करते हैं उसको भी करते हैं इम्पोर्टेंट भी करते हैं अर्जेंट भी करते हैं तो इम्पोर्टेंट काम क्या है इम्पोर्टेंट काम जैसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है सर स्कूल आना भी जरूरी है पढ़ाना भी जरूरी है तो स्कूल आना भी जरूरी है और पढ़ाना भी जरूरी है तो इम्पोर्टेंट में आए इसमें कौन सा अर्जेंट होगा सर पढ़ाना जरूरी है पढ़ाना जरूरी है और स्कूल आना बहुत जरूरी है ये तो कोई बात नहीं जैसे बताऊँ इम्पोर्टेंट अर्जेंट जैसे हमको काम दिया हम वो कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं अचानक से कुछ चीज आ गई कि इसको फॉरन भरना है सर वो इम्पोर्टेंट काम के साथ साथ हम बच्चों को काम देके वो अर्जेंट काम भी फिट कर रहे हैं तो सर मैं इस टाइप की हूँ कि मैं पहले इम्पोर्टेंट काम करूंगी अर्जेंट काम जब मैं प्री पीरियड होगा तभी करूंगी बट इज इट द राइट वे अगर आपका छोटा बेटा उसको नक्सी रहे सेसोमेयर नोज ब्लीडिंग आप कुछ काम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट तो और क्या करेंगे यू आर्ग्यू लाइक दिस आई एम आर्ग्यू फॉर यू आर्ग्यू लाइक दिस यू नो दिस इज द वे वी हैव टू टीच टू स्टूडेंट्स हाउ टू आर्ग्यू मीनिंगफुली विदाउट फाइटिंग यू हैव टू हैव योर आर्ग्यूमेंट आपके आर्ग्यूमेंट में दम होना चाहिए ये थोड़ी कि हारने लगे तो मारने लगे दिस इज द इम्पोर्टेंट नाउ यू टेल मी Say, because of you, say you are a principal, because of you, things are becoming urgent. So you are a good principal or a bad principal? You are a good principal? Because of you, say you are a principal, and things are becoming urgent. So are you a good principal or a bad principal? Bad principal. ये बताओ हम जो पूछ रहे हैं आर यू लिसनिंग ये कैसे बैड प्रिंसिपल कैसे बने ये चीजें अर्जेंट बना रहे हैं तो बैड प्रिंसिपल कैसे हो गए हाउ कम दे आर द बैड प्रिंसिपल्स दे आर मेकिंग थिंग्स अर्जेंट अर्जेंट आपको जल्दी जल्दी खराब हो जाए काम खराब हो जाए
तो दिस इज अ गुड प्रिंसिपल और बैड प्रिंसिपल आर द बैड प्रिंसिपल हाउ हाउ कम दे आर द बैड प्रिंसिपल बोल क्योंकि वो जो जरूरी है उसे पहले करना चाहिए ना जो इम्पोर्टेंट है वो तो होता रहेगा फिर अच्छा वो है, पता ही है कि करना है okay. लेकिन जो भी जरूरत पहले जिसकी पहले अर्जेंट वो कर दो कर दो अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट बन जाता है अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं और फिर मत पाता है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी खड़ा हो जाता है फिर दोनों को सेम वैल्यू देनी चाहिए आप ये बताओ व्हाट इज योर कैरेक्टर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर सी यू आर ऑल प्रिंसिपल आई टेक इट लाइक दिस सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर यू बिलीव दैट मेकिंग इम्पोर्टेंट थिंग एंड अर्जेंट थिंग टेकिंग केयर टुगेदर और यू वांट टू टेक इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट सो दे कुड नेवर बिकम अर्जेंट और यू वांट टू पिक अप अ पर्सन लाइक दिस दैट हु इज मेकिंग जस्ट अर्जेंट थिंग्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स एट ऑल और यू आर द पर्सन टू हैव दी दैट Yes, what do you say? Speak. मैं किसी से पूछूंगा जस्ट स्पीक कैमरा आ जाएगा आपको एंड दिस इज लास्ट में आपने बोला है नॉ इम्पोर्टेंट और ठीक है इसका मैंने क्यों बोला है उसका रीजन ये है कि हर चीज ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ठीक है जैसे कि अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट है डजंट मैटर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता क्या इम्पोर्टेंट है क्या अर्जेंट है ठीक है मेरे लिए मैटर ये करता हूँ सिर्फ सिचुएशन क्या चल रही है दैट्स इट अगर उस सिचुएशन में कोई काम आया ठीक है वो भी करना इम्पोर्टेंट है और कोई अगर वैसा भी आया अर्जेंट है ठीक है दैट्स इनफ ओके फाइन तो मेरे लिए ये चीज मायने रखते है इसलिए नो इम्पोर्टेंट नो अर्जेंट सो इट मीन्स यू हैव नो एजेंडा एट ऑल मीन्स यू डोंट हैव एजेंडा प्रॉपर कोई एजेंडा मैं लेकर नहीं चलती हूँ अगर ठीक है कोई काम मुझे दिया गया है ठीक है मेरा जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ एज ए बच्चों को पढ़ाने आई हूँ ठीक है तो ठीक है मैं बच्चों को पढ़ाने आई हूँ ओके वहाँ कोई चीज उनको मुझे अपनी तरफ से कुछ चीजें सिखानी है मुझे उस टाइम लगता है कि मुझे उनको कुछ क्रिएटिविटी सिखानी है तो मैं वो चीज सिखाऊंगी ये मेरे लिए मैटर नहीं है कि उस टाइम क्या काम आया है वो इम्पोर्टेंट है पहले वो करना ऐसा कुछ नहीं होता दैट्स वाई मैंने ये बोला है कि फॉर्थ नॉ इम्पोर्टेंट नॉ अर्जेंट आई वॉन्ट दैट यू शुड मेक पॉइंट लाइक दिस द वे शी इज स्पोकन आई वॉन्ट यू टू स्पीक लाइक दैट आई वॉन्ट यू एंड योर स्टूडेंट शुड स्पीक लाइक हर Forget about the rightness or the wrongness of the point. That is different. That's a different issue. But one should have courage to speak. One should have courage to speak out of the crowd. One should have courage to speak out of the crowd. Answering? So the way she is speaking, yes, I want this attitude in the child to speak up. You speak up. You said that why you are in this important, urgent. Why you are not able to convince? अभी तक कहीं भी आदमी आपके पास नहीं आया यू टू कन्विंस राधर दे आर कन्विंसिंग सर एक्चुअली गिव द सिचुएशन दैट इट हैज टू चूज एनी वन ऑफ बिटवीन द फोर बट सर अकॉर्डिंग टू मी नाइदर इज अर्जेंट नॉर इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी एज फार एज आई कंसर्न दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट राधर आई चूज द सेकेंड वन But for me, both are important. Right. So you can't neglect the one thing. So both are important. You are here. Both are not important. So according to the situation, sometimes we don't have any kind of choice to choose the one thing. There is a situation that you have to choose both of things to make yourself to complete your work. Very good. Yes. Okay. So I chose the second one because that time I realized that it was important. Uh-huh. But we can neglect the second one thing. Okay. Yes. The urgent one cannot be neglected. Yes, sir. Right. Very good. Anybody else would like to come with any idea? Anybody else? Up? Do you want to speak? Okay. Well, stand. Let's stand here and speak up. Yes. Sir, third one. Urgent. Okay. Because of me. All things and all work are urgent. Okay. Important or not important, all are urgent. Okay. If we think that all work and all things are urgent, then we can do our work with our sincerity and perfectness. So that's why you are there in number three. Yes, sir. So you are that kind of principle. You are very happy making things urgent. Yes, sir. Okay, good. Anybody else would like to come? Anyone? Okay, thank you very much. Go back to your seats.
we can do. Nee, means how do you do the formative assessment? How do you do? Sir, how do I do? Huh. We teach them. And you observe them. Yes. When they are performing, you are observing them. Yes. So this is the way you do this. Yes. And how do you do the summative assessment? How do you do the summative assessment? You tell me, how do you do the summative assessment? कैसे करते हैं summative assessment होती है ना? Yes, sir. हम कैसे करते हैं उसको? Summative assessment. हाँ. Anybody else would like to come? Anybody else would like to come? Anybody else? कोई और भी आए? हाँ ओके जब फाइनल एग्जाम होता है तो क्या करते हैं फाइनल एग्जाम में उनको रिटन टेस्ट देते हैं या बोर्ड की सजा देते हैं ओके उनको रिटन टेस्ट दे दें और फिर वो टेस्ट करते हैं वो देन वी चेक ओके ओके सिराम एनीबडी यू टेल मी हाउ डू यू डू द असेसमेंट समेटिव असेसमेंट रिटन टेस्ट होता है उसमें रिटन टेस्ट होता है ऑरल टेस्ट भी होता है Okay, 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 right. So now this thing is there that what you have to do? You have to do one individual activity. You have to do one individual activity, one group activity. And some written work. Written work means not in FA. FA actually are not meant for written work. FAs are for oral and observation. And for games. And activity sort of. So you have done this activity here. We were doing that activity. That activity was a kind of individual activity. Everybody was participating in that. Though you were coming in groups, but you were part of a group and individually you were being asked that how good you are in speaking. Okay? How good you are in speaking. That we were doing. So that was individual activity. See, group activity can be multidisciplinary. Multidisciplinary. What is multidisciplinary activity? That is important. Now we are going to talk about multidisciplinary. Look at this. You take one topic, say health. This is multidisciplinary project. This is health you have taken. Some students, five students each group you have made, and then some students are working on mathematics part. Some students are working on social science part. Because health is part of everything. In mathematics you have health, you know, health data. You have, say, science, various kinds of pharmaceutical, right? You have Ayurveda, you have yoga, you have allopathy, right? So, like this, you look at this data on obesity from Medical Council of India. Lifestyle, I'm saying speech. Speech means English teacher can also use health as part of their multidisciplinary project. So multidisciplinary project is something like this, that when we teach geography, we must refer mathematics in that. How? The earth is tilting at what angle? Earth is tilting, the axis of the earth is tilting at what angle? 66.5 degrees. You know this? We have equator. So earth makes, what is the angle of the earth? 360 degrees. So we are talking about geography, but we are dealing in maths. We are speaking some language, so we are speaking English. We are talking about geography, we are talking about monsoon. Monsoon is affecting our social science. So this is called multidisciplinary project. Thank you very much, sir. Various workshops and capacity building programs have been conducting in our schools time to time. But your capacity building program is very beneficial to us, because by attending this capacity building program, we really know what is CCE. We know that CCE, what is CCE, that on paper. But by watching or by attending your capacity building program, we really know what is CCE and how do we to implement this in our classes. Thank you very much. Thank you very much. You would like to say, I want you to come and speak. That should be your classroom. That by the time of end of your classroom, sit down. By the time you end the classroom, your 10 students should come and repeat that subject.
By the end of the workshop, then teacher should come and speak of that subject and speak. So, can I say, कि आपको डायमंड अच्छा लगा? डायमंड नहीं, एक्चुअली है ना काफी कुछ सीरियसली सीखने को मिला. ठीक है, आपने काफी चीजें बताई एज ए टीचर के, कि हम जब घर से चलते हैं तो एज ए टीचर बिंग आप बता मैम को भी कह रहे हो कि हमें प्रॉपर लगना चाहिए, हमें खुद से लगना चाहिए हम एज ए टीचर जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वहां जाकर, बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए. मेन बेस होता है हमारा बच्चे, स्टूडेंट्स होता है, तो स्टूडेंट्स को हम किस तरह अपनी तरफ से कि अपने अफोर्ड्स करके, जैसे कि आपने परफॉर्मेंस और ये सब प्रिंसिपल्स और ये पर्सनैलिटी स्किल्स ये सब चीजें बताया है, उससे काफी चीजें सीखा है कि एटलीस्ट हम वो अप्लाई करें अपने क्लासरूम्स में. और आई थिंक ये आपने शायद प्रॉपर बोला 10th क्लास के लिए यू शेप, कोशिश करेंगे हम 4th क्लास में एज ए पीआरटी टीचर तो 4th क्लास में भी कुछ ऐसे ही रूल्स हम लागू करें. First of all, thank you so much. You gave us a lot of knowledge. Actually, we are all our teachers, but how to become a good teacher, you taught us today. And I'm very blessed. As principal ma'am, she arranged for this workshop. And that's it, sir. So you are so thankful to her. Yes, I am. So you have to become a principal like her. Once you become principal, you have to become like her. Congratulations. Sir, I want to become a principal in the future, and yes, ma'am is very good. She is very supporting, and she is very. That should be there. Parents are from all sides because they have to cut you, na? You have to give the shape. They have to make you diamond. Yes. You know, they are just all the time thinking of you. So that kind of fellow, if you say become sometime hard. Take it as a blessing. Yes, sir. Sir, when I joined the school, a ma'am told me that I will cut you. That point, she told me that I will cut you in a shape to make yourself a good teacher. Very nice. So, I'm improving myself and I'm very blessed and very happy. Thank you so much, sir. You gave us a lot of knowledge about the teaching, how to become a good teacher. Very good, very good. Thank you so much. Yes. I just want to say thanks, sir. Thank you so much for telling us so much things about our teaching and our teaching skills. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So, if anybody would like to come, that's fine. Or we wind up. You would like to come? Adam? How? You can sit on there. Yes? Seminars for your teachers and other school teachers. Okay? So, God bless you. Thank you. Come, uncle. First of all, good afternoon. And sir, thank you very much. You have come. In fact, I learned so many things from yourself. And when you entered the classroom, then I saw your style, how to teach. Really, sir, this is my first time when I saw you. And I took this class for my first time. In fact, I saw a lot of seminar, but it was my first time. Mm-hmm. And thank you, sir. Sir, I hope you will next time you will come. Oh, thank you very much.